हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाकियाज कॉर्नर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों विंटर्स चल रहे हैं और विंटर में हवा जो है बहुत ज़्यादा ठंडी और रूखी होती है, जो कि हमारे बालों पर, हमारी स्किन पर बहुत बुरा असर डालती है। इससे स्किन सारी रूखी सूखी हो जाती है और बालों में डैंड्रफ हो जाती है, बाल जो है झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बालों में फ्रिजीनेस बढ़ जाती है। तो ऐसी सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने एक हेयर रेमेडी तैयार की जो कि मुझे अच्छी लगी। मैंने अपने बालों पर भी उसको ट्राई किया, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कौन सी हेयर रेमेडी तैयार की है। तो रेमेडी बनाने के लिए एक पैन मैंने गैस पर रख दिया है और उसमें अब मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसमें अब मैं डालूँगी 3 टेबल स्पून मेथी दाना। तो मेथी दाना जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे बालों में एकदम शाइन आती है, बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और जो बाल हमारे झड़ रहे हैं अगर, तो उनका झड़ना भी रुक जाता है और बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो ये और बालों की अगर ग्रोथ रुक गई है तो वो भी इससे स्टार्ट हो जाती है। तो मेथी दाना जो है बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो मेथी दाना मैंने डाला था उसको डालकर मैंने गैस पर इसमें उबाल लिया है उसको बहुत अच्छी तरह से, और इतना उबाला है कि जो पानी था मैंने 2 गिलास रखा था उसका आधा हो गया, यानी कि 1 गिलास पानी रह गया है। तो और अब इसको मैं एक बोल में लेकर एक छलनी से इसको छान ले रही हूँ और देखिए इसके जो दाने हैं वो भी कितने मोटे मोटे हो गए हैं और जो पानी है उसका कलर भी चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन सा कलर हो गया है। पानी में सारे इसके जो मेथी के गुण हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। तो इस तरह से ये पानी उबल गया है, अभी ये पानी गर्म है और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मैं डालूँगी आधा नींबू। इसमें आधा नींबू का रस डालूँगी। नींबू का रस बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, बालों में अगर डैंड्रफ है तो बालों की डैंड्रफ को दूर कर देता है। पानी जो मैंने तैयार किया है इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले बालों को शैम्पू कर लें, अच्छी तरह से वॉश कर लें शैम्पू करके, और उसके बाद इस बालों को जब सूख जाएँ तो उसमें फिर आप इसे किसी कॉटन की हेल्प से रूट्स से लेकर टिप्स तक पूरे बालों में लगाएं और उसे 10 मिनट के लिए लगा छोड़ दें। और 10 मिनट के बाद आप बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें और फिर उसके बाद शैम्पू ना लगाएँ और उसे ऐसा ही छोड़ दें बालों में, तो ये बालों में इसका असर बाद में भी बना रहेगा। तो बाल इससे बहुत ग्लॉसी शाइनी हो जाएंगे और बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों की डेंड्रफ खत्म हो जाएगी, बालों की ग्रोथ बढ़ने शुरू हो जाएगी। तो ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये पानी है मेथी का जो। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिया करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत प्रेरणा देता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।